आज का शुभ संदेश मन और चित्त का भेद। मन पौद्गलिक है, मन टेम्परेरी तत्व है, मन जो है सर्वेंट है, यह जो है अधीनस्थ काम करने वाला है, ये नौकर है। और मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन के समय मन होता है। जब आपने चिंतन प्रारंभ किया तभी मन इंट्रोड्यूस हुआ, उसके आगे पीछे मन नहीं होता है। और चित्त है वह चेतना की शक्ति है, चित्त को सारी शक्ति मिलती है वो चेतना से मिलती है। यानी चित्त है वह आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, चित्त मालिक है, चित्त चेतना है, चित्त परमानेंट तत्व है, और चित्त ही मन को प्रभावित करता है। जितने भी भाव चित्त में उतरते हैं वो विचार बन के मन पे आते हैं, या मन जो कुछ भी इंद्रियों से लेता है वह चित्त को देता है, और चित्त पुनः उसके जो है भाव बना करके कारण शरीर को देता है। अतः चित्त और मन बोलचाल की भाषा में तो कई बार कहते हैं कि वो एक ही है, लेकिन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। तो एक तो जड़ है और एक चेतन है और एक नाशवान है और एक अजर अमर है। चित्त चेतना की शक्ति होने के कारण अजर अमर है, इसलिए आत्मा को कहा गया है अनंत चित्तों वाला है। अनंत कई कई दिशाओं के अंदर चेतना जब जाती है तो वह उसके चित्त अलग अलग, एक एक कोशिका को जो चेतना शक्ति देती है तो वह अनंत चित्तों वाला हो जाता है। अतः चित्त और मन के भेद को हमें समझना चाहिए। चित्त मालिक है और नौकर है उसका है वो, मन है बेचारे, मन को हमें दोष नहीं देना चाहिए। परंतु क्योंकि मन है एक दूत रूप में पहले आगे आता है तो डांट फटकार उसी को पड़ती। अतः चित्त और मन के जो है अगर दार्शनिक रूप से सोचें बहुत बड़ा अंतर है।